हेलो एवरीवन, इट्स मी अंजलि फ्रॉम अंजलिस फूड एंड ट्रैवल वर्ल्ड। तो गाइज, अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए थोड़ा हटके वीडियो लेके आई हूँ, और ये है दिवाली हमने कैसे सेलिब्रेट किया, छोटी दिवाली कैसे सेलिब्रेट किया, तो वो सारी चीज़ें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। ये हम लोग पटाखा कहाँ फोड़ है और ये किसके घर में हम लोग आए हुए हैं, तो चलिए बिना टाइम ना वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, हम दिवाली सेलिब्रेट करने अपने फ्रेंड्स के घर पे, तो फिलहाल यहाँ पे जब ये हम लोग आए हैं तो अभी पटाखा फोड़ने के लिए अभी हम लोग नीचे आए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और अच्छा व्यू लगेगा। आप देख सकते हो, अभी मैं आपको काली माँ की जो मूर्ति है वो अभी ढकी हुई है उनकी फेस, क्योंकि कल एक्चुअली काली पूजा और दिवाली सेलिब्रेट होगा कलकत्ता में, तो आज छोटी दिवाली है। तो बने रहिएगा मेरे इस वीडियो में और मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी कि अभी हम लोग कौन कौन से क्रैकर्स बस्ट करेंगे, कैसे सेलिब्रेट करेंगे छोटी दिवाली। तो बने रहिएगा और बहुत जल्दी मिलते हैं दिवाली वाले दिन। टाटा एंड हैव अ सेफ एंड हैप्पी दिवाली। तुम्हारे फ्रेंड का कॉम्प्लेक्स काफ़ी खूबसूरत लग रहा था अभी। सो गाइज, अभी हम लोग अपने फ्रेंड के घर पे आए हुए थे छोटी दिवाली एंजॉय करने के लिए। तो ये है यूनिमार्क स्प्रिंगफील्ड, और आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, सब फ्लैट्स में लाइट वगैरह लगे हुए हैं। और यहाँ पे एक छोटी सी काली मंदिर है, मतलब मंदिर तो नहीं है बट हाँ पंडाल बनाया हुआ है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इसको शेयर किया जाए। तो चलिए अभी देखते हैं कैसा लग रहा है। ओके, ये देखिए काली माँ का चेहरा अभी ढका हुआ है, फिलहाल आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि कल काली पूजा और दिवाली एक साथ सेलिब्रेट होगा, इसलिए काली माँ का फेस ढक दिया गया है। कल ओपनिंग होगा, यहाँ पे पूजा होगा, तो फिलहाल आप ऐसे ही देख सकते हैं। तो गाइज, हम लोगों ने डिसाइड किया, ये देखिए मेरी फ्रेंड इसका मस्ती फुल ऑन चालू है, और ये देखिए शोमैन अभी एकदम एंजॉय करते हुए पूरा बच्चा बन चुका है पटाखा फोड़ते वक्त, और अभी इसने ये चरखी चलाना स्टार्ट किया। ओ माय गॉड, ऐसे उछल रहा है बच्चे की तरह कि पता नहीं चरखी ने क्या ही छोड़ रहा हो। तो हम लोग का ये आदत है, मतलब जब हम लोग पटाखा वगैरह फोड़ते हैं ना, हम लोग को मतलब पूरे बच्चे बन जाते हैं। मुझे बचपन से ही क्रैकर्स फोड़ना काफ़ी पसंद है, तो मैं छोटे से ही, मेरी काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज़ है इसके साथ जुड़ी हुई। और अभी हम लोग चारों फ्रेंड्स मिलके एकदम बच्चे लोग की तरह पटाखा फोड़े। अब देखिए हमारा मतलब इन्जॉयमेंट का लेवल ही अलग है, और ये देखिए ऐसे तुबड़ी वगैरह चरखी, इसी में हम लोग इतना खुश और इतना इन्जॉय कर रहे थे कि मतलब मानो हमारा बचपन वापस आ गया हो, और बहुत मज़ा आ रहा था। गाइस सच बोलूँ तो फ्रेंड्स के साथ पटाखा फोड़ने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। और ये देखिए मेरी फ्रेंड अभी, देखिए हमारा जो ये रंग मसाला था ना, पता नहीं क्या हो गया था इसको, दिमाग ख़राब हो रहा था, एक बार जला रहे बार बार जल रहा है, फिर बुझ जा रहा है, फिर जल रहा है, मतलब पागल कर दिया था। मतलब बार बार हम लोग को फ्रस्ट्रेशन आ गया था कि अरे क्या है, हमने एक ही गलती कर दी कि जब हमने पटाखा ख़रीदा उसे हमें धूप में रखना चाहिए। अगर आप लोग भी ये गलती कर रहे हैं तो इसे ध्यान रखिएगा, पटाखा ख़रीदते ही उसे थोड़ा धूप में रखना ज़रूरी है, ताकि अगर डैम्प हो गया वो पटाखा तो वो फिर से ठीक हो जाए धूप में रखने से। और ये देखिए फाइनली ये तुबड़ी जल गया और हम लोग कितने खुश हो रहे थे। एंड गाइस, बहुत लोग देखिए, अगर आप क्रैकर्स बर्स्ट भी करना चाहते ना, तो बहुत ज़्यादा जो पोल्यूट करे इन्वायरमेंट को, वैसे क्रैकर्स नहीं बर्स्ट करने चाहिए। हाँ, बट अगर क्या है कि अगर आप मान लो चरखी, फुलझड़ी, रंग मसाला, इससे भी पोल्यूशन बढ़ता है, लेकिन अभी क्या होता है ना कि दिवाली के एक दो दिन हम लोग, मैं पहले तो काफ़ी ज़्यादा छोड़ती थी क्रैकर्स वगैरह, बट अभी मैंने काफ़ी हद तक इसे कम कर दिया है, बहुत ज़्यादा नहीं करती, लेकिन हाँ छोटे छोटे जो क्रैकर्स होते हैं वो मैं बर्स्ट ज़रूर करती हूँ, जैसे चरखी, फुलझड़ी वगैरह, ये सारी चीज़ें, रंग मसाला हो गया। और मतलब क्या होता है ना कि जब दिवाली का यही एक खास बात होता है, लाइट्स, सजावट, पटाखा फोड़ना, मिठाइयाँ खाना, मतलब दिवाली सच पूछिए तो मेरा एकदम बहुत ज़्यादा फेवरेट फेस्टिवल है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो गाइज़, आई होप आपको भी हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और बहुत जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू।